वक्फ बिल को जेपीसी में भेजे जाने पर आपकी राय जब जनता से पूछा गया, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक 45%, मोदी के सामने गठबंधन की मजबूरी 31%, मुस्लिम विरोधी बताने से सरकार बैकफुट पर 21%, कह नहीं सकते 3%, मास्टर स्ट्रोक 45%, देखिएगा वो नंबर आपके स्क्रीन पर है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए मोदी सरकार के रवैये से संतुष्ट हैं? हाँ 47%, नहीं 28%, भारत के हाथ में कुछ नहीं 19%, कह नहीं सकते 6%। तीसरे टर्म में और बड़े फैसले के मोदी के ऐलान पर उम्मीद बरकरार है क्या? हाँ 54%, नहीं 36%, कह नहीं सकते 10%। ये सवाल पूछे गए। मैं पूछना चाहती हूँ सबा नकवी जी आपसे। सबा नकवी, कहीं ना कहीं जनता में और हमारे सबके दिमाग में ये सवाल था कि मोदी सरकार कड़े फैसले ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। कम से कम ये सर्वे जो रुझान दिखा रहा है उसमें लोगों को लगता है कि कम जरूर हुआ होगा शायद परसेंटेज, पहले से जो 303 पर नंबर था वो नहीं है, पर अब भी 54% अगर लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट स्थिर रहेगी, 5 साल कंप्लीट करेगी, डिसीजंस भी लेगी, तो आप इसे कैसे देखती? नविका, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि किसान आंदोलन, 1 साल आंदोलन के बाद वो कानून वापस लिए गए, और वो उस वक्त वापस लिए गए जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, आपको याद होगा, 22 से पहले 1 साल। और आप किसान आंदोलन के नंबर के हिसाब से 700 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में। 1 साल आंदोलन हुआ, कोरोना काल में शुरू हुआ और 1 साल चला। तो क्लियर कि वो बड़ा फैसला था जो मोदी सरकार ने वापस लिया, और वो वेस्टर्न यूपी के वजह से ज्यादातर। आप भूल गई, पंजाब का भी चुनाव था, पंजाब का भी था और यूपी का भी था, है ना? और लेकिन हमने जो रिजल्ट देखा वो तो पूरा बीजेपी ने स्वीप किया था वो चुनाव। मैं बस फैक्ट्स दे रही हूँ, शायद वो साथ साथ हुए थे ये चुनाव, लेकिन यूपी का भी था, जयंत चौधरी उस साइड पे थे, दूसरे विपक्ष में थे उस दौर, और वो जाट बेल्ट का वे असर था। मैं नाम भूल रही हूँ, देखिए चलिए वो बात छोड़िए, लेकिन बीजेपी ने अच्छा किया था उस चुनाव जी, और वेस्टर्न यूपी किया था बीजेपी ने, पूरी तरह स्वीप किया था यूपी, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था 22 में। उसके बाद कुछ महीने के बाद चुनाव आया, और शायद वो 21 के अंत में, नवंबर में वो कानून वापस लिए गए, जो मुझे याद है। हाँ, लेकिन जो आप, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीजें अब सरकार जो मोदी जी चाहेंगे वो नहीं कर पा रहे हैं, और वो तो बस कुछ दिनों में चीजें वापस ली जा रही हैं या पार्लियामेंट्री कमेटी में जा रही हैं। आपको ये भी याद होगा नविका जी कि पार्लियामेंट में जो सीन्स हुए थे, जो राज्यसभा में खास, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये कानून को तो सिलेक्ट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजे, और सरकार रेडी नहीं थी। अब वक्त जैसा कानून को उन्होंने एक कमेटी बनाई है, तो वो सही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ये जो उस टाइम भी करना चाहिए था वो अब कर रहे हैं, क्योंकि अब मजबूरी में कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, ये जो लैटरल एंट्री वाला, और एक बजट का भी, और वो मैं समझती नहीं हूँ, आप मुझसे वो बेहतर समझती हैं, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर वो भी उनको वापस लेना पड़ा, आप पूरा समझ जाएंगे, है ना? बजट को प्रॉपर्टी जिस तरह से उसका वैल्यूएशन होता है, वो पॉलिसी भी बजट में अनाउंस हुआ, वो भी उनको वापस लेनी पड़ी। खैर वापस नहीं लिया, उन्होंने ऑप्शंस दे दिया है, ऑप्शन दे दिया, ठीक है, लेकिन कुछ तो बदलाव हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ रीथिंक हुआ, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि सरकार को करना चाहिए ये सब, मतलब पब्लिक रिस्पॉन्स में करना चाहिए। लैटरल एंट्री वाला जो मसला था वो तो सरकार के खुद के लोगों ने चिराग पासवान, बिहार के जो उनके साथी हैं, उन्होंने उसमें नामंजूरी, और इसका कारण यही है, नामंजूरी का कारण यही है, जो परसेप्शन यूपी में बना और बिहार में नहीं बना, क्योंकि बिहार में भाजपा के साथ कास्ट बेस्ड पार्टीज एनडीए में थी, और मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार,
उनको कैसे हम कह सकते हैं कि वो आरक्षण खत्म बहुत